जेके सीमेंट के एमडी राघवप्ति सिंघानिया ने कहा, जेके सीमेंट ने पिछले 6 साल में 3 सीमेंट यूनिट लगाए हैं। जो लास्ट सीमेंट यूनिट है वो 2024 में प्रयागराज में स्थापित हुआ है, जो सिर्फ 9 महीने और 28 दिन में लगाया गया है। ये पहला ऐसा प्रदेश है जहां टीम इंडस्ट्री को फॉलो करती है कि आपके काम का क्या प्रोग्रेस है और हम क्या कर सकते हैं। आज आश्वासन देना चाहता हूं कि जेके सीमेंट ने 1,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है और हम आगे भी यूपी में और 1,500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 500 करोड़ का मेडिकल फील्ड में और 1,000 करोड़ का निवेश आपकी R&D, एजुकेशन और नई बिल्डिंग मटेरियल में यह निवेश होगा। मुख्यमंत्री अक्सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और ईज ऑफ बिजनेस क्या होता है, उन्होंने ये करके दिखा दिया है। जेके सीमेंट ने पिछले 6 साल में 3 सीमेंट यूनिट लगाए हैं और जो लास्ट सीमेंट यूनिट है वो 2024 में प्रयागराज में लगा है, जो सिर्फ 9 महीने और 28 दिन में लगाया गया है, फ्रॉम ग्राउंड ब्रेकिंग टू कमिशनिंग। मुख्यमंत्री जी, मैं आज ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता अगर आपकी जो टीम ग्राउंड पे है वो इतना सपोर्ट नहीं करती। ये पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पे टीम इंडस्ट्री को फॉलो करती है टू चेक कि आपके काम का क्या प्रोग्रेस हुआ, काम कहाँ अटका हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। और मैं जब भी लखनऊ आता हूँ तो मुझे कोई ना कोई नई पॉलिसी का इंफॉर्मेशन मिलता है एंड आज उस पॉलिसी के दौरान मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि इवन दो जेके सीमेंट ने 1500 करोड़ इन्वेस्ट कर लिया है यूपी में, लेकिन हम फर्दर 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी लाएंगे, 500 करोड़ मेडिकल फील्ड में एंड हम 1000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी नई R&D पॉलिसी है उसमें, प्लस एजुकेशन में एज वेल एज न्यू बिल्डिंग मटेरियल्स में। मुख्यमंत्री जी, ये आपकी और आपकी टीम का जो मेक यूपी को टू मेक यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप बोलते हैं, वो ये ऐसा एक प्रदेश है हिंदुस्तान में जिसने एक्चुअली बताया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है एंड ये सब आपकी और आपकी टीम के वजह से है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जेके को वापस यूपी में लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी छत्रछाया में हम फर्दर यूपी में इन्वेस्ट कर पाएँ। धन्यवाद।